पूरा समर्थन दिया। सभी लोकसभा के सांसद जीते, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। लेकिन इधर 4.5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड की जनता ने तो भरपूर वोट दिया, लेकिन बुंदेलखंड की जनता खाली छूट गई, खाली हाथ रह गई। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। जो कार्य पुरानी सरकार में चल भी रहे थे उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई। जहां बुंदेलखंड की जनता ने सभी विधायक जिताए थे, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी। बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो जाएगा। यहां जिस तरीके के संकट पैदा किया है किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, व्यापारियों के सामने, और हर वर्ग के लोग दुखी हुए हैं। इतनी परेशानी, इतना दुख, संकट कभी नहीं आया होगा जनता पर जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। याद कीजिए वो दिन जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था, लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। ये वो सीमा है जहां पर मजदूर भाइयों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। कई दिनों तक उन्हें ऐसे ही बिना खाए, बिना पिए, बिना पानी के इंतजाम, बिना किसी इंतजाम के वो ऐसे ही पड़े रहे बॉर्डर पर। और मजबूरी में उनके गुस्से को जब नहीं कंट्रोल कर पाए तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ करके अपने घर का रास्ता तय करना शुरू कर दिया। उस बेवसी में लोग पहुंचे हैं। इसी तरह ललितपुर बॉर्डर में जो दूसरे प्रदेशों में हमारे मजदूर भाई काम करते थे, एक एक हफ्ता बिना नहाए एक जगह पड़े रहे, भूखे प्यासे पड़े रहे। सरकार ने कोई मदद नहीं की। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी उस समय सरकार ने मजदूरों को, गरीबों को अनाज छोड़ दिया। वो खबर जो सबसे पहले मध्य प्रदेश से आई थी कि एक गर्भवती महिला चलते चलते अपने पहुंची थी गांव, लेकिन उसे अस्पताल मिल गया। वहां पर गांव वाले और घर परिवार वाले अस्पताल ले गए, डिलीवरी हुई वहां। लेकिन उत्तर प्रदेश में ललितपुर बॉर्डर पे जो दूर से चल करके मां आई थी, उसकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। गर्भवती मां बेटी को जन्म दिया, वो अपने पैदल उसके बाद 3-4 घंटे इंतजार और आराम करने के बाद वो घर पैदल होकर के गई। क्या कोई सोच सकता है कि जो लोग दावा करते हैं सरकार चलाने का, उन्होंने गर्भवती मां को ऐसे ही छोड़ दिया हो? घर भी पहुंची वो पैदल चल करके, क्या सरकार मदद नहीं कर सकती थी? इसी तरह बहुत सारे मजदूर जो घर नहीं पहुंच पाए, पहले ही जान चली गई उनकी। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की थी। उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए मदद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो क्या गर्भवती मां का दुख समझेंगे, क्या उन मजदूरों का दुख समझेंगे जो अपनी सब गृहस्थी लेकर के, सब सामान लेकर के अपने सरों पर जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाहते थे। और ये सरकार वो है जो लाइन में लगाती है लोगों को। नोटबंदी आज की दी है, लोग लाइन में लग गए। अभी जब महामारी आई उस समय लोगों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि लाइन में लग करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहां से होगा। यहां झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। यहां की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों को नाक से चने चबा दिए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया किसानों के साथ इन्होंने, जीभ से कुचल दिए किसान। इस बार झांसी की जनता
इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जिस जीप से कुचला था किसानों को, आज बताइए क्या कार्रवाई हुई है? सरकार बचाना चाहती है उन लोगों को, नौकरी और रोजगार के कितने सपने दिखाए इन्होंने, लखनऊ से लेकर के दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है नौकरियों की, लेकिन बताइए कितने नौजवानों को रोजगार नौकरी मिली है? बड़े बड़े आयोजन किए गए इन्वेस्टमेंट के लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी भी आए, वो सब आए, बताइए कहां पर कारखाना लग गया, कहां पर उद्योग लग गया? और जैसे ही चुनाव आया तो बताइए मिसाइल का सपना दिखा रहे हैं झांसी के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को। यहां के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं है। चुनाव आ गया तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, स्मार्टफोन देंगे। और इस सरकार ने अगर अपना वादा पूरा किया होता तो लॉकडाउन में नौजवानों को और छात्रों को और आम लोगों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो कह रहे थे हम डाटा फ्री देंगे, वाईफाई कर देंगे, लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। अगर दे दिया होता तो लॉकडाउन के अंदर इतनी तकलीफ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता किसी को। लेकिन लैपटॉप क्यों देंगे? हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो शायद लैपटॉप भी देते, वो उसकी जरूरत को समझते। अब जब चुनाव आ गया है तो अब टैबलेट देने जा रहे हैं। कौन सी टैबलेट दी इन्होंने? ये नाम बदलने वाली राजनीति और काम दूसरों का अपना बताने वाले लोग। नाम बदलने वालों को जनता बदल देगी और बदलाव की जो लहर चली है, बदलाव की तरफ जनता चली है, इनको उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। 100 से 112 कर दिया, 100 से 112, 100 से 112 से कौन सा लाभ पहुंच गया? इतना अन्याय पुलिस के माध्यम से सरकार ने कराया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए उत्तर प्रदेश सरकार को, सबसे ज्यादा जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव अगर कहीं हो रहा है शासन और प्रशासन से तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए जनता ने मन बनाया है, किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मनवाया, सरकार का सफाया होगा। बुंदेलखंड के किसानों को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, समाजवादी सरकार में जो पानी का इंतजाम होना शुरू हुआ था और तेजी से काम होगा। अभी तक तो ये सरकार हमारे काम का उद्घाटन करती थी। अभी जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे चाचा उद्घाटन कर गए, उनका भी उद्घाटन कर दिया इन्होंने। जो डैम बनने थे वो डैम अभी पूरे नहीं हुए हैं, बजट नहीं दे रहे उसका। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, और कम से कम हमारे बुंदेलखंड के किसान दो फसल ले सकें ऐसा इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। साथ ही साथ बिजली का बिल कितना बढ़ गया है, बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे सोलर पावर प्लांट की बात हो, समाजवादियों ने बहुत कर करके दिखाया है। चाहे सड़क, चाहे अस्पताल, चाहे जनता को सुविधा देने का काम समाजवादियों ने अपनी सरकार में बड़े पैमाने पे किया है। अपनी माताओं बहनों को जो हम सम्मान देते थे समाजवादी पेंशन के माध्यम से, आने वाले समय में इस महंगाई में अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो 3 गुना भी दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सर, आप कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं, इधर गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर में आंकड़ों के जरिए जो है आप ही के दावे पे जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उन आंकड़ों में कम से कम ये बताना चाहिए कि महिलाओं और बेटियों पर सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार कहां है? वो उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में ये बताइए आईपीएस कहीं फरार है? क्या आईपीएस फरार देश में किसी और जगह भी है? क्या कोई ये बता सकता है? सरकार को ये जानकारी नहीं है
एक आईपीएस दूसरे आईपीएस में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, पैसे के लेन देन का आरोप लगा रहा है। पॉलिटिकल लोग जरूर लगाते थे, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है कि एक आईपीएस दूसरे आईपीएस में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। क्या कहीं देश में ऐसा हुआ होगा कि एक व्यापारी व्यापार करने आया हो और पुलिस जाकर के वसूलने पहुंच गई हो, पीट पीट करके एक व्यापारी को मार दिया हो? कहीं दूसरा उदाहरण हो तो बता दो हमें। तो फिट के पाइप पर कासगंज में बताओ कोई नौजवान फांसी लगा लेगा? और यहीं आपके जिले में क्या आपको याद नहीं है फर्जी इनकाउंटर हुआ था? आज फर्जी इनकाउंटर में भी सबसे ज्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिली हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो डायल 100 थी 100 नंबर से 112, बताइए कबाड़ा कर दिया कि नहीं कबाड़ा कर दिया? 100 नंबर व्यवस्था को कबाड़ा कर दिया। और अभी जिस हॉल में बैठ करके आए थे बीजेपी के लोग, एक एक डीजीपी तारीफ कर रहा था, एक एक मनी मन तारीफ कर रहा था क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। बहुत सारे अधिकारी उनके बैच के एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि अगर कहीं ऐसा इंतजाम है पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्पॉन्स सिस्टम जो डायल 100 में था तो वो कहीं है उत्तर प्रदेश का है। अगर वो डीजीपी तारीफ कर देते खुलेआम तो हो सकता सस्पेंड हो जाते। अभी जालौन में एक पत्रकार ने केवल खबर बना दी, जेल भेज दिया, बताइए। और आप लोग भी अगर दूध में पानी बता दोगे सही तरीके से, दाल में पानी मिलावट बता दोगे, या कहीं भ्रष्टाचार सरकार का खोल दोगे तो हो सकता आप पे भी मुकदमे दर्ज हो जाए। और अभी एक हमारा यहाँ परिवार आया है, ये ललितपुर में परिवार है, वो दीजिए कागज उसका। परिवार आया है, यहाँ बैठा है बरुआ सागर में, बताइए। परिवार का आरोप है कि कस्टडी में डेथ हुई है, कस्टडी डेथ है। यहीं खड़े हो जाए बाबा, यहीं खड़े हो जाए बाबा, यहीं कुर्सी एक दे दो, आगे बैठ जाएंगे। अब आप देखिए, पुलिस कस्टडी में पिटाई से मारे गए इनके परिवार के सदस्य, और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं है, पुलिस के लोग जेल नहीं गए। कितने दिन हो गए बाबा? 2 महीने हो गए। और उत्तर प्रदेश में पहली घटना नहीं है ये, कोई एफआईआर नहीं हुई है। बताइए, एफआईआर तो पहला अधिकार है इनका। क्या ये जो हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे थे, क्या ये बात उन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? और ये पहली घटना नहीं, ये बता रहे हैं घर से बुलाया पूछताछ के लिए और इतना पीटा कि जान चली गई। बताइए झूठे के मुकदमे में, झूठे केस में बताइए आप। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की। और ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने खुद मुकदमे वापस लिए हैं। जिस तरीके से अंग्रेज बांटो और राज कर रहे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी मारो और डरा रही है राज करो। मार करके राज करना चाहती है, डरा करके राज करना चाहती है कि अगर आपने खबर निकाली तो आपके खिलाफ ही मुकदमा हो जाएगा। ये परिवार गरीब भटक रहे हैं, सोचिए कितने दिनों से भटक रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं वो, ये दादा को दिला पाएंगे न्याय की नहीं दिला पाएंगे? आप भी उनकी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं वो? क्या आपको नहीं पढ़ाई है कि कस्टोडियल डेथ हो रही है यहां उत्तर प्रदेश में? पूरी बात कर लें तो वो आप अच्छा पूछिए। देखिए भगवान कृष्ण हम सबके हैं, कोई ऐसा नहीं यहां होगा पंडाल में या यहां यहां पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है इनका सफाया होगा। और वो जो कहावत है ना कि खाली पेट ना होते भजन गोपाला, ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे? सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का, ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है।
ये दुष्टीकरण है, दुष्टीकरण। जिस हॉल में बैठ के आए थे, कम से कम हम बता दें किस हॉल को किसने बनाया, वो तो दो दो बार बैठ गए, उन्हें पहली बार इतना अच्छा लगा कि बोले हम दोबारा जरूर आएंगे, वो दोबारा पहुंच गए उसी हॉल में। और देश में सबसे अच्छा पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी सरकार ने दिया है, और वो सिस्टम दिया है जो न्यूयॉर्क पुलिस का है। जिस समय समाजवादी पार्टी इस व्यवस्था को बना रही थी, उस समय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने न्यूयॉर्क भेजा था, ह्यूस्टन की पुलिस कैसे काम करती है वो देख करके आए थे, सिंगापुर का रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस का क्या है वो देख करके आए थे, तीनों सिस्टम को समझ करके और हमारी पुलिस को क्या जरूरत है वो चीज समझ करके उन्होंने ये डिजाइन की थी, 100 नंबर डिजाइन किया था। इनकी केवल एक उपलब्धि है, बताएं हमें देश के होम मिनिस्टर जी, क्या उनके मुख्यमंत्री जी ने नाम बदला है कि नहीं बदला ही बता दो, 100 का 100 बार है, अगर टायर भी बदला हो तो बता दो। और उनके वरिष्ठ अधिकारी गाड़ी छीन ले गए 100 नंबर की, पेंट रंग बदल करके, क्योंकि मुख्यमंत्री रंग बदलते हैं, नाम बदलते हैं, तो अधिकारियों ने भी रंग बदल के इनोवा अपने साथ लगा ली, कोई कल्पना कर सकता है। उनके लिए कुछ मत कहिए, उनके बारे में कुछ मत कहिए। अब समाजवादी पार्टी